जय तेलंगाना। सारे सारे मुट्ठी एक बार जय तेलंगाना। सुनाई देना रेवंत रेड्डी को जय तेलंगाना। आप सबका शुक्रिया, हमारे खास हमारे जितने यहाँ बहन हैं आप सबका, और हमारे भाई और मंच पे शामिल जनाब महमूद अली साहब, मैडम सबिता इंदिरा रेड्डी साहिबा, और हमारे जगदीश रेड्डी अन्ना, कार्तिक रेड्डी हमारे भाई, इनायत अली बाखरी साहब हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहते हुए रिटायरमेंट लेके आज सियासत में शामिल हुआ हमारे भाई आरएस प्रवीण कुमार साहब, जो टिम रेस और बाकी स्कूल चलाने में बहुत काफ़ी काम उन्होंने किया, और मंच पे हमारे भाई जितने भी हमारे श्रीकांत अब्दुल मुकीद चंदा, हमारे एमएलए साहब कौशिक रेड्डी साहब, उमा मैडम, सोफिया हसीब सिद्दीकी, और बाकी जितने भी हमारे लीडर हैं जिन जिन का भी मैं नाम नहीं लिया, आप बट अगर कुछ बोलना भी है तो मन ही मन में बोल लो, बाहर न को बोलो। और जितने हमारे भाई बहन यहाँ पे आज इतने रात गए आप लोग यहाँ पे आए, आप सबका मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे बस एक चीज कहना चाहता हूँ, मजहब चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, हर किसी का मसाइल तो एक ही है। आज रेवंत रेड्डी की जो जालिम हुकूमत है, इससे अपने आप को कैसे बचाना है, अपने बच्चों के वास्ते जो आपने इतना कुछ मेहनत करके एक एक ईंट लगा के एक छोटा सा मकान जो आपने बनाया, इसको रेवंत रेड्डी से कैसे बचाना है, कांग्रेस से कैसे बचाना है, यही आप सबके मन में है। मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं आपसे, केसीआर साहब ने एक चीज कहा आपसे कहने के लिए, जिएंगे एक बार मरेंगे एक बार, पर झुकेंगे इनके सामने कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं। बस आप हिम्मत से हमारे साथ चलिए, हिम्मत से काम लीजिए। आपके लिए केसीआर साहब ने एक वादा किया, हम सबको बोल भी जाया, केसीआर साहब ने यह वादा आपसे किया कि चाहे जरूरत पड़ा तो 5 करोड़ हो या 10 करोड़ हो, जितना भी रकम लगेगा हम बीआरएस पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई हम जारी रखेंगे। बस आप एकजुट रहिए, आप इकट्ठे रहिए, एकजुट रहिए, क्योंकि तोड़ने की हर कोशिश की जाएगी, आपकी जो यहां पे यूनिटी है इसको तोड़ने की हर कोशिश की जाएगी। चंद लोगों को अलग ले जाएंगे, बोलेंगे भाई हुकूमत से कहीं को लड़ रहे तुम, बड़े बड़े लोग आए, खतरनाक लोग आए, पंगा नहीं लेना, अपन बहुत कुछ बोलेंगे आपको, बट वो भी करना जरूर, वो भी करना जरूर, जरूरत पड़ा। आज एक मिनिस्टर बोल रहे हैं, आज एक मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं, आप लोग, आपके दिल में जो दर्द है, हमारी अभी जो बहन आई थी यहां पे, हमारे जो भाई आए थे अभी यहां पे, और चंद्रकला आई थी, क्या बोले वो लोग, बोले कि भाई बाढ़ आई तब भी हमारे घर में पानी नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूं हमारे बहनों से, आपके घरों में कभी पानी आया इससे पहले, आया कि नहीं? नहीं सुनाई दे रहा है, कभी नहीं आया, तो आपके घर तोड़ने की क्या जरूरत है फिर? अगर पानी आया ही नहीं, कभी बाढ़ जब भी आया तब भी अगर पानी नहीं आया, तो आपको अगर पानी से कोई तकलीफ है ही नहीं तो तोड़ने की क्या जरूरत है? मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं आपसे, क्या बोला रेवंत रेड्डी ने इलेक्शन से पहले कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और बाकी लीडर क्या बोले? गरीबों की खिदमत करेंगे, गरीबों को मुतमईन करेंगे, 6 गारंटी बोल के हर जगह बोल बोल के आपके वोट लिए। क्या बोले 6 गारंटी में? केसीआर साहब 2000 वजीफा दे रहे, हम लोग 4000 देंगे बेवाओं को और खवातीनों को, हमारे बहनों को खास 2500 देंगे। वादा किया था कि नहीं किया उन्होंने? गरीबों के साथ बोले गैस फ्री दे देंगे, बिजली 2200 यूनिट फ्री, पानी फ्री, हर चीज जो आप पूछेंगे आप वोट दीजिए, हर चीज दे देंगे और 100 दिन में हर सहूलत आपके तक पहुंचा देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आप में से किसी को मिला 4000 का वजीफा? हमारे बहनों को मिला किसी को 2500? ये सब छोड़ दिए उन्होंने, 100 दिन में ये करता हूं, वो करता हूं, बैंगन करता हूं, सब बोले, कुछ भी नहीं करे, कुछ भी नहीं करे।
आज बोल रहे हैं मूसी करता हूं। कौन पूछे तुम्हारे को मूसी, कोई पूछे? और अजीब अजीब एक चीज बोलता हूं आपको मैं, आज तेलंगाना में एक अजीब सा माहौल है। रेवंत रेड्डी की तरफदारी कौन कर रहे मालूम आपको? बीजेपी के लीडर कर रहे, बीजेपी के बड़े बड़े लीडर, बंडी संजय, किशन रेड्डी, रघुनंदन और बाकी आटा विश्वेश्वर रेड्डी बोल के, ये सारे लीडर आज रेवंत रेड्डी के तरफदार बन गए। रेवंत रेड्डी का तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं, बोल रहे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राजा सिंह भी बोल रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे रेवंत रेड्डी। मैं पूछना चाहता हूं, ये अजब प्रेम की गजब कहानी जो आज कांग्रेस और बीजेपी की चल रही है, आज हैदराबाद में और तेलंगाना में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। आप देखिए बड़ा अजीब सा मामला है, बहुत अजीब सा मामला है। ऊपर राहुल बाबा है, राहुल गांधी बाबा। अब राहुल बाबा ऊपर बोलते कि अदानी फ्रॉड है, यहां पे रेवंत रेड्डी बोलते नहीं 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 नहीं, अदानी फ्रेंड है, हमारे दोस्त है। राहुल बाबा बोलते ऊपर कि चौकीदार चोर है, और यहां पे उनके छोटे भाई क्या बोलते, नहीं 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 वो चोर नहीं है, हमारे बड़े भाई है। और राहुल बाबा ऊपर बोलते कि हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर आ रहा है आपके घर पे, बुलडोजर राज नहीं चलेगा। पर यहां पे रेवंत रेड्डी घर घर बुलडोजर भिजाए तो भी राहुल बाबा खामोश, किशन रेड्डी खामोश, बंडी संजय खामोश। आपके जो वोट से जीत के आज दूसरे पार्टी में जाने वाले आपके एमएलए प्रकाश गौड़ भी खामोश, हर कोई खामोश। क्यों? एक ही मतलब है, मूसी कते यू नो 1,50,000 करोड़ खर्च करेंगे कते मूसी पे, उनमें से 1,50,000 करोड़ में से करीब करीब 1,00,000 करोड़ लूटने का इनका इरादा है। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं, 1,00,000 लोगों को बेघर करके, 1,00,000 हमारे बहनों को, 1,00,000 हमारे भाइयों को बेघर करके 1,00,000 करोड़ क्या करोगे तुम? मैं पूछना चाहता हूं, सबका लाश पे, सबके लाश बिछा के क्या उस पे मंदिर, क्या महल बनाओगे, राजमहल अपना क्या करोगे? मूसी डेवलपमेंट, मूसी ये मूसी वो, कौन पूछे तुम्हारे को? कोई हम लोग आके आपको दरख्वास्त दिए, भाई मूसी के यहां हालात ठीक नहीं, आप आओ हमारे हालात सुधारो, हमारे यहां ये करो वो करो, क्या पूछे आपसे गरीबा? गरीबा ये पूछ रहे कि 6 गारंटी कब अमल करेंगे आप? कौन इंदिरा अम्मा बोली, कौन सोनिया अम्मा बोली गरीबों का घर तोड़ने के लिए? कोई नहीं बोले। रेवंत रेड्डी जो है गरीबों के दुश्मन है। इसलिए भाइयों बहनों में एक ही चीज कहना चाहता हूं आपसे, किसी के किसी में ये हिम्मत नहीं है, जब तक आप लोग एक साथ हैं, जब तक आप लोग हमारे साथ हैं, मैं वादा करता हूं आपसे, अगर बुलडोजर यहां पे आ रहे हैं, आप एक फोन कॉल करो, 15-20 मिनट में आपके उनके सामने हम आके खड़े हो जाएंगे, देखेंगे किसके आगे हिम्मत है, देखेंगे किसमें हिम्मत है, हमारे को गिरा के हटा के हम पे चला के कौन बुलडोजर आगे ले जाता, हम भी देखेंगे। हाईकोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे, हर दरवाजा खटखटाएंगे, आपके वास्ते 5 नहीं 10 करोड़ भी खर्च करेंगे, पर आपके घर नहीं तोड़ने देंगे, ये वादा आपसे। पर एक गुजारिश है आपसे, अगर कोई और जमात हमारे साथ आगे आना चाहती है उसका भी खैर मकदम करेंगे, कोई और भी हमारे साथ आगे आके गरीबों का साथ देना चाहते हैं उनको भी बुलाइए, क्योंकि साथ रहने में ही हम सबका फायदा है। भाइयों बहनों मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर आप लोग अभी तक अगर नहीं बनाए तो इमीडिएटली हमारे जितने भाई यहां पे फोन वोन लेके आज रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपसे हमारे नौजवान हमारे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, जल्दी बना लो, एक के घर के पास अगर बुलडोजर आ गया सब लोग निकलो, फोन लगाओ, हम भी आ जाएंगे एक तरफ से, आप लोग भी आ जाओ, भगा भगा के बुलडोजर को रेवंत रेड्डी के घर भेजेंगे। भाइयों मैं एक और चीज पूछना चाहता हूं, आपके घर पे अगर कोई अफसर आया तो उससे जरूर पूछना एक बात, आज रेवंत रेड्डी की मकान कोडंगल में तालाब में है, पहले उसको गिराओ रेवंत रेड्डी की मकान को, उसका भाई का मकान यहां पे दुर्गम चरू में, उसका भाई का मकान तिरुपति रेड्डी का, रेवंत रेड्डी का भाई का मकान खुद FTL में है, पहले उसका मकान गिराओ। आज उस्मान सागर, हिमायत सागर में उसके एतराफ में पूरे के पूरे बड़े बड़े मिनिस्टरों के बड़े बड़े इमारत, एक एक पैलेस यहीं पे आगे
ज्यादा दूर नहीं, यहीं पे है। अगर हिम्मत है हाइड्रा में, आज अगर हिम्मत है हाइड्रा में, बड़े बड़े लोगों के, अमीरों के, पहले उनके घर गिराओ, बाद में गरीबों के पास आने की हिम्मत करना। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आप सबसे, हैदराबाद कैसा था केसीआर के दौर में, आज कैसे खौफनाक खौफनाक माहौल है, आप एक बार सोचो। हैदराबाद में पिछले 9.5 सालों में भाई भाई की तरह केसीआर साहब कैसा खिदमत करे गरीबों का, एक बार आप सोचिएगा। शादी मुबारक जैसे प्रोग्राम, कल्याण लक्ष्मी जैसे प्रोग्राम, टिमरिस जैसे स्कूल बना के आज गरीब बच्चों के वास्ते अच्छा सा अच्छा तालीम देने की कोशिश, ये सब केसीआर साहब के दौर में हमने किया। केसीआर साहब ने कभी भी गरीब को गरीब की तरह देखा, इंसान को इंसान की तरह देखा, कभी भी मजहब के नाम पे सियासत नहीं किया। कभी मखदूम मुहिउद्दीन ने कहा था, हयात लेके चलो, खायनात लेके चलो, चले तो चलो सारे जमाने को साथ लेके चलो। केसीआर ऐसे लीडर है, अगर केसीआर जैसे लीडर की अगर आप आवाज बुलंद करना चाहते हो, उनको और मजबूत बनाना चाहते हो, तो हमारा साथ दो, हम आपकी हिफाजत करेंगे पूरी तरह से, इन गुंडों से, इन सरकारी गुंडों से, इन रेवंत रेड्डी के जो अफसर है, बुलडोजर है, उनसे हम आपके पूरी तरह से आके आगे खड़े होके, आपका भाई होने के नाते कांधा से कांधा मिला के हम आपके साथ लड़ेंगे। मैं वादा करता हूं आपसे, आपको डरने की कोई बात नहीं, डरने की कोई आपको बिल्कुल बिल्कुल भी कोई भी एक मिनट के लिए भी सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे कार्तिक आपके साथ रहेंगे, हमारे इनायत अली बाखरी आपके साथ रहेंगे, आप जब बुलाएंगे 15-20 मिनट में आ जाएंगे। हमारे बाकी लीडर भी आपके एक बुलावे पे, आज जैसे 30-25 एमएलए और एमएलसी यहां पे चल के आए, हमारे महमूद भाई, हमारे सविता मैडम, जगदीश अन्ना, प्रवीण अन्ना जैसे आज चल के आए, कल भी जब भी आप बुलाएंगे आ जाएंगे। एक और चीज भी मैं कहना चाहता हूं, अगर आप जब तक आप एकजुट हैं, जब तक अगर आपकी यूनिटी रहेंगी, गवर्नमेंट भी हुकूमत भी कोशिश भी नहीं करेंगी। बाकी लीडरों पे भी आप दबाव बनाओ, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, आपके कॉरपोरेटर पे, आपके एमएलए पे, उनके पास जाइए, बोलिए कि गरीबों के मकान गिरा रहे हैं लोग, एक ऐसी रीत है। हम कभी पूछे क्या आपको मूसी करो, मैं पूछना चाहता हूं, 1,50,000 करोड़ किसी की बाप की जागीर है क्या? आपका पैसा है, हमारा पैसा है, अवाम का पैसा है, उसको ऐसे फजूल एक प्रोजेक्ट में आज इतने लोगों को बेघर करके, 1,00,000 लोगों को बेघर करके क्या हासिल करेंगे आप, मैं पूछना चाहता हूं, किसके लिए कर रहे हैं आप? केसीआर साहब जब एक शानदार प्रोजेक्ट बना रहे थे कालेश्वरम, जिसको लेके 80 लाख एकड़ को पानी मिल रही थी, तो यही राहुल गांधी आए थे, कुछ भी बोल रहे थे, उन्होंने एटीएम बना दिए आप कालेश्वरम प्रोजेक्ट को, 80 लाख एकड़ को पानी देने वाली, खेती को पानी देने वाली प्रोजेक्ट को आपने एटीएम कहा। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी, आज 1,50,000 करोड़ से जो मूसी प्रोजेक्ट आप लोग करना चाह रहे, कितने एकड़ पानी मिलेगा, कितने बच्चों को रोजगार मिलेगा, किसके वास्ते कर रहे हैं आप? आपका रिजर्व बैंक बनाने के वास्ते कर रहे हैं आप, पैसा लूटने के वास्ते कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हैदराबाद में 1,00,000 लोगों को बेघर करके 1,00,000 करोड़ लूटने की कोशिश और साजिश कर रही है। जब तक हम लोग एकजुट होकर इनके खिलाफ नहीं लड़ेंगे, जब तक आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक हमारे नौजवान बच्चे जो आज काफी जोश में है, जब तक आप लोग इनको आपका हिम्मत नहीं दिखाएंगे, इनको आपका जोश नहीं दिखाएंगे, तब तक ये लोग डरेंगे नहीं। मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं आप सबका, बाकी लीडरों को भी लाइए इसमें, कॉर्पोरेटरों को बुलाओ, एमएलएस को बुलाओ, बोलो कि भाई हम आपको वोट दिए, आओ हमारे साथ खड़े हो जाओ। आज हम सबको एकजुट रह के इस साजिश को, और खास ये हाइड्रा नाम का एक जो एक आ गया एक ड्रैगन बन के, उसको रोकना है, शैतान को रोकना है, तो हम सबको केसीआर साहब का हाथ साथ देना चाहिए। हम आपके साथ हैं, जैसा मैंने कहा, फिर एक बार कह रहा हूं, जिएंगे एक बार, मरेंगे एक बार, पर झुकेंगे नहीं हाइड्रा और रेवंत रेड्डी के सामने, ये वादा आपसे है। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, थोड़ा आवाज रेवंत रेड्डी को सुनाना, देखो जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जब बुलाए तब वापस आएंगे और बुलडोजरों के सामने हम खड़े हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो भाई हमारा अभी दिखाए पट्टा लैंड है, फलाना है, 2010 में एचएमडीए का अप्रूवल मिला, मैं वादा करता हूं आपसे, सारे कागज में लेके कोर्ट तक मैं जाऊंगा, 5 नहीं 10 करोड़ भी खर्च करेंगी हमारी पार्टी आपके वास्ते करते हुए। जय तेलंगाना, केडीआर जी आगे बढ़ो।